हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माई न्यू एंड अनदर वीडियो। हमारी जो राइड कंप्लीट होके जो है ना 4 डेज हो चुके हैं और बहुत सारे जो है ना मुझे इंस्टाग्राम के अंदर मैसेज आ रहे थे और क्वेश्चंस आ रहे थे कि आपका जो इस राइड के अंदर कितना खर्चा आ गया और आपका पेट्रोल जो है ना कितना इस राइड के अंदर लगा है। और बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए कि स्कूटर के अंदर कुछ दिक्कत तो नहीं आई। वीडियो के अंदर जो है ना मैं अपने राइड की जो है ना पूरी डिटेल देने वाला हूँ, कितना खर्चा आ गया हमारे इस राइड में, कितना हमारा पेट्रोल लगा है और क्या दिक्कत स्कूटर के अंदर आई थी, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को जो है ना अंत तक देखना। तो इससे पहले जो है ना हम बात करते हैं कि इस राइड के अंदर जो है ना हम क्या क्या चीजें लेके गए थे, क्योंकि उस चीजों से जो है ना हमारा जो है ना राइड का जो एक्सपेंस था वो थोड़ा कम हो गया था। तो पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे जो है ना हमने कैरी किया था स्टोव कुकिंग के लिए, कुछ जगह पे हमने जो है ना कुक करके भी खाया था, इसलिए जो है ना वो एक रीजन था कि हमारा जो है ना पैसा कम खर्चा हुआ था इस राइड के अंदर। और जो है ना हमने यूज किया था टेंट, हमने इस राइड के अंदर जो है ना 44 डेज हम लगे इस राइड में हमें टोटल, लेकिन 44 डेज के अंदर जो है ना हमने सिर्फ 4 डेज जो है ना होटल को यूज किया है, 3 डेज दिल्ली के अंदर हॉस्टल में रुके थे सिर्फ ट्रेन के ऊपर डालने के लिए, स्कूटर वहां पे वेट कर रहे थे, और एक दिन जो है ना सुबह का वेट कर रहे थे दिल्ली के अंदर, उसके लिए हमने हॉस्टल में रुका था, क्योंकि सिटी के अंदर जो है ना हम टेंट लगा के स्टे करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए जो है ना हॉस्टल को हमने वहां पे ले लिया था। और उसके टेंट था हमारे पास जो डीकैथलॉन का था, टेंट बहुत ही अच्छा टेंट है 2% का, हम वहां पे इजीली जो है ना हम अपने 2 बंदे सो सकते थे और उसके साथ जो है ना हम अपना जो भी लगेज होता था ना वो हम यहाँ पे टेंट के अंदर लेके सोते थे। और यहाँ पे जो है ना हमने पीछे कैरी किया था, हमारे 2 बैग थे, एक मेरा बैग था और एक सुबान का बैग था। बैग के अंदर हमारे अंदर कुछ कपड़े थे नहीं थे, बल्कि सिर्फ हमारे जो है ना 3 पेयर जो है ना कपड़े थे और एक स्लीपिंग बैग था, 2 बैग मेरा और एक सुबान का था और एक उसके ऊपर जो है ना और एक बैग था। आपने अगर मेरा वीडियो इससे पहले देखा तो आपको पता चली जाएगा कि उसके अंदर जो है ना हमने रखे थे कुछ वेजल्स रखे थे कुकिंग के लिए, और उसके अंदर हमारे पार्ट्स थे, स्पेयर पार्ट्स थे स्कूटर के केबल्स और कुछ स्पार्ट्स प्लस हमने उस बैग के अंदर हमने कैरी किया था। और इसके अंदर जो है ना हमने कैरी किया था कुकिंग केरोसिन फॉर कुकिंग के लिए, क्योंकि जो स्टोव हमने यूज किया था वो पंपिंग स्टोव था केरोसिन वाला, इसमें केरोसिन कैरी करते थे और इसके अंदर जो है हमने करते थे पेट्रोल। और अब बात करते हैं हमारी जो राइड थी ना वो 44 डेज के अंदर जो है ना पूरी कंप्लीट हो गई है। इस 44 डेज के अंदर जो है ना हमने कवर किया है 9,012 किलोमीटर से हमने ज्यादा राइड किया है, लेकिन जो है ना हमने ये कैलकुलेट ये कि हमारा स्पीडोमीटर जो है ना स्कूटर का नहीं चलता है, ये हमने सिर्फ कैलकुलेट किया, जितना हम डेली के अंदर जो ना हम राइड करते थे वो हिसाब से जो हमने कैलकुलेट किया कि आज का हमारा टारगेट जो है ना यहाँ से समझे कि शिरूर से जो ना हमने कन्याकुमारी का, आज का हम कन्याकुमारी ने मैंगलोर का टारगेट होगा तो हमने जो ना मैंगलोर के अंदर यहाँ से कितना राइड किया है किलोमीटर्स, हम मैप में डाल के देखते थे कि इतना किलोमीटर से, तो उसके हिसाब से जो ना हम अपने कैलकुलेट ना उसको ऐड करते जाते थे कि कितना हमने डेली राइड किया है, उस हिसाब से जो ना हमने ऐड करते हुए हमें मिले यहाँ पे 9,012 किलोमीटर हमने राइड जो है ना उससे ज्यादा किया इस राइड के अंदर। और अगर हम बात करें पेट्रोल की, पेट्रोल हमारे इस राइड के अंदर कितना लगा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन जो है ना यही था कि पेट्रोल आपका कितना लगा, आपकी स्कूटर जो है ना ये भी कह रहे थे कि आपका स्कूटर जो है ना पेट्रोल ज्यादा खाता होगा। बहुत सारे लोकल ने भी पूछा हमें, जिस जगह पे जाते थे वहां पे पूछा जाता था मुझे क्वेश्चन कि आपकी स्कूटर का माइलेज क्या है। मैं बता दूं स्कूटर का जो माइलेज है ना 40 है, कुछ जगह पे ना माइलेज कम भी दिया, जैसे उमलिंगला के अंदर हमें माइलेज बहुत कम मिला, जैसे कि 75 किलोमीटर हम कवर कर रहे थे हानले से उमलिंगला के लिए, वहां पे जो है ना हमें 8 लीटर पेट्रोल लेके गए थे, लेकिन हमें वहां पे जो है ना पेट्रोल हमारा पूरा खत्म हुआ सिर्फ 75 किलोमीटर कवर करने में, वहां पे जो है ना हमें माइलेज बहुत ही कम मिला। लेकिन कारदुंगला हो जाए ऐसे जैसे भी जहाँ पे ऊपर जाना था हमें पहले गियर पे हमें स्कूटर चलाना पड़ता था, इसलिए जो है ना वहाँ पे थोड़ा फ्यूल कंज्यूम थोड़ा ज्यादा हुआ है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो है ना राइड में हमारा लगा है पेट्रोल जो है ना पूरा टोटल 250 लीटर लगा इस राइड के अंदर पेट्रोल। पेट्रोल के साथ लगता है इसके टूटी वाइल, बिकॉज ये है 2 स्ट्रोक इंजन और टूटी वाइल जो लगा है हमें यहाँ पे इस पूरे इसके अंदर जो है ना 11 लीटर जो है ना 11 लीटर जो है ना हमें टूटी वाइल लगा है। अगर हम कैलकुलेट करें पेट्रोल की, हमने जो है ना प्राइस जो है ना थोड़ी जगह पे ज्यादा था कि जैसे कि यहाँ पे हमें यहाँ से हमने शुरू किया था, जब यहाँ पे राइड हमने शुरू से स्टार्ट की थी तब यहाँ पे प्राइस था 111, लेकिन जब यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर गए वहाँ पे 120 हमने पे किया पर लीटर के ऊपर, लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाते गए हमें पेट्रोल का जो प्राइस जो है ना कम होते हुआ, जैसे हमने मध्य प्रदेश दिल्ली और ऐसे जो है ना हमने वहाँ पे 96 रुपीज पर लीटर हमने यहाँ पे ये किया, हमने जो है वो कैलकुलेट नहीं किया था कि पैसा कितना जा रहा है इसके ऊपर पेट्रोल के ऊपर, बस हमने ये कैलकुलेट किया था कि पेट्रोल हमारे कितना लीटर जो है ना हमारा पेट्रोल चल रहा है जा रहा है इस राइड के अंदर।
हमने उस हिसाब से कैलकुलेट किया था, तो 250 लीटर जो है ना हमारा पेट्रोल का पेट्रोल गया है 250 लीटर। तो अगर हम उसकी देखेंगे एवरेज के हिसाब से जो है ना 2000 जो है ना 27,500 का पेट्रोल जो है ना हमारे इस राइड के अंदर लगा है पूरा, और टूटी ऑयल लगी है उसके साथ जो है ना, यहाँ पे हमने पूरा नोट करके रखा है। तो टोटल जो है ना ऑयल का और पेट्रोल का मिला के जो है ना हमारा यहाँ पे ना 30,250 हो गया है इस पेट्रोल का। और हमें उसके बाद जो है ना हमारी ये पूरी राइड जो है ना 45,000 के अंदर कंप्लीट हो गई थी। हमारे स्कूटर के अंदर कोई दिक्कत नहीं आई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आया था, सिर्फ हमने क्लच असेंबली चेंज किया था, बिकॉज जो है ना पहले गियर पे जो है ना गाड़ी स्कूटर जो है ना जर्क मार रही थी, इसीलिए हमने क्लच असेंबली चेंज किया था। ये दिक्कत राइड में जाने से पहले ही थी दिक्कत, लेकिन मुझे क्लच असेंबली नहीं मिल रही थी। बैंगलोर के अंदर भी हमने जो है ना क्लच असेंबली ढूंढा, लेकिन वहाँ पे हमें क्लच असेंबली नहीं मिली। और अगर क्लच असेंबली को निकाल कर हम उसको बुश करते तो ना उसमें टाइम लग जाता था, इसलिए जो है ना हमने क्लच असेंबली को चेंज किया था, वरना हम उसको ही जो है ना लेत के अंदर डाल के उसको बना के हम उसी को यूज़ कर सकते थे। हमने लुधियाना के अंदर जो है ना क्लच असेंबली वहाँ पे हमने ली थी, जिसका प्राइस जो है ना 570 था। और हमने जो है ना इस स्कूटर के अंदर जो है ना 3 बार ऑयल चेंज किया है, उसके अलावा जो है ना हमारे स्कूटर के अंदर कोई दिक्कत नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कोई कुछ भी नहीं हमारे स्कूटर के अंदर आया अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल अगर हम स्कूटर की जो इसकी बात करें सर्विस की, जो क्लच असेंबली और हमने जो इसमें डाला है उसकी जो प्राइस करें, अगर 1000 जो है ना 670 जो है ना उसका खर्चा था हमारा। और हमने जो है ना शॉपिंग जो है ना इस राइड के अंदर कुछ भी नहीं किया था, बिकॉज ये हमारी बजट राइड थी। और हमने सिर्फ 2 जैकेट हमने परचेस किया था और ग्लव्स परचेस किया था, बिकॉज के ठंड जो है ना बहुत ही ज़्यादा थी और वो हमसे संभाली नहीं जा रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे परचेस किया था जैकेट और ग्लव्स, जिसका जो है ना टोटल हो गया था हमारा 1340 हो गया था। और लद्दाख के अंदर जो है ना परमिट लगता है, आपको पता ही होगा, परमिट का जो प्राइस है ना 400 है पर पर्सन के लिए, जितने पर्सन होगी उतने पर्सन का जो है ना परमिट निकालना पड़ता है। और जितने दिन वहाँ पे आप रुकोगे ना उसके ऊपर ना 20 रुपीज़ ऐड करते जाते, और हम वहाँ पे 7 डेज के लिए हमने निकाला था, और 240 जो है ना हमारा एडिशनल हो गया था, और परमिट का जो है ना 800 हो गया था। इसका टोटल जो है ना टोटल हमारा हो गया था 1080 परमिट का। और अगर आप बात करते हैं हमारी फूड का, जो फूड जो है ना हम कई जगह पे हमने कुक भी किया था, कुक करने की वजह से ना हमारा खर्चा जो है ना फूड का थोड़ा कम हो गया है। और फूड जो है ना हम टेस्टी फूड देकर नहीं खाते थे, फूड जो है ना हम ऐसा खाते थे जैसे कि हमारा पेट जो है ना भर जाए और हमें एनर्जी मिले राइड के लिए, वही हम फूड के लिए जाते थे। और इसका जो है ना फूड का जो हमारा खर्चा हुआ है टोटल 8760, यानी हम जो है ना ये राइड जो है ना हमारी पूरी टोटल 4500 के अंदर खर्चा हो गया है हमारा। अगर आपका इसका डिटेल चाहिए तो ना मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा कि हमारा फूड के ऊपर कितना गया है, और ऑयल के अंदर मैं इसमें लिख के आप डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको देख सकते हैं, पूरा हमारा वहाँ पे लिखू आपको डाल दूंगा। टोटल जो है ना 45,000 के अंदर हमारी पूरी राइड हो गई है। और बहुत सारे कहते हैं कि 45,000 बहुत, थोड़े लोगों को जो है ना 45,000 जो है ना ज़्यादा लग सकते हैं, और थोड़े लोगों को ना ये 45,000 बहुत ही कम लगेंगे, क्योंकि 45,000 के अंदर ना कन्याकुमारी टू कश्मीर और कश्मीर लद्दाख जाके राइड करना इतना इतना ईजी नहीं है। 45,000 के अंदर 9,012 किलोमीटर्स कवर करना 45,000, क्योंकि पेट्रोल का जो प्राइस ये है सिर्फ 30,000 जो है ना इसी के अंदर चला गया। फिर हमने जो है ना फूड के अंदर सिर्फ बहुत ही हमने कम पैसे इसके अंदर खर्च किया, लेकिन एक रीज़न ये भी था कि हमारा खर्चा कम आने का जो है ना हमने यूज़ किया था टेंट, जिस जगह पे भी जाते थे ना हम यूज़ करते थे वहाँ पे टेंट, जहाँ पे हमारे दिन के जो है ना 800-400 जो है ना बच जाते थे, क्योंकि ऐसे जहाँ पे जाते हैं ना तो वहाँ पे जो है ना टूरिस्ट प्लेस के अंदर जो है ना वहाँ पे स्टे का जो प्राइस होता है वो ज़्यादा ही होता है। लेकिन हमने हर जगह पे हमने टेंट लगाया, चाहे वो बारिश हो, चाहे गर्मी हो, या चाहे ठंडी हो, हमने हर जगह पे जो है ना अपना जो है ना टेंट यूज़ किया है। माइनस टेम्परेचर भी हमने टेंट अपना लगाया, और नुरबुला टॉप जो है ना वहाँ पे भी हमने टेंट लगा के स्टे किया है 16,000 फीट के ऊपर भी। यही रीज़न था कि हमारा जो है ना खर्चा कम आ गया है। इंस्टाग्राम में आपने देखे होंगे ऐड चलते हैं वहाँ पे के 10 days 10 night के, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30,000-45,000 वहाँ पे जो है ना एक बंदे का वहाँ पे लेते हैं, लेकिन हमने जो है ना कन्याकुमारी से कश्मीर जो है ना सिर्फ 45,000 के अंदर किया है। और बल्कि कन्याकुमारी से कश्मीर नहीं, बल्कि हमने लद्दाख भी हमने कवर किया, लद्दाख के कुछ प्लेसेस कवर किया, लेकिन जो पूरा लद्दाख का जो सर्कल है ना वो हमने नहीं किया है। जैसे हमने सिर्फ नुब्रा वैली गए, नुब्रा वैली के बाद हमने गए पैंगोंग, पैंगोंग के बाद जो है ना हानले गए, हानले से हम गए उमलिंगला, उमलिंगला के बाद हम जो है ना अपनी
हम रिटर्न अपने घर की तरफ अपनी स्कूटर चलाने स्टार्ट किए वहाँ पे। उसके बाद आए हम हानले से आ गए, हमने एक जगह स्टॉप ली थी उसका नाम मुझे याद नहीं आया। उसके बाद हमने रुके थे सरचू, सरचू से जो हम आए हिमाचल के अंदर मनाली, मनाली से वहाँ पे मनाली से सिटी के अंदर जो है ना हमने मनाली के अंदर एंट्री, सिटी के अंदर हमने एंट्री की थी लेकिन वहाँ पे मनाली के अंदर हमने स्टे नहीं किया था घूमने के लिए। मनाली से आए कुछ जगह आगे आके जो है ना हमने यहाँ पे स्टे किया। उसके बाद आए दिल्ली, दिल्ली से हम आए गए सीधा घर। इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको आपके सवाल का जवाब जो है ना मिल ही गया होगा कि क्या खर्चा आया है, क्या कितना किलोमीटर हमने कवर किया है, कितना पेट्रोल हमारे स्कूटर के अंदर लगा होगा। अगर कोई भी डाउट रहा ना इस वीडियो के इस राइड के रिलेटेड तो कमेंट करके जरूर पूछना, कोशिश करूंगा उसका जवाब देने के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो करना लाइक, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को करना सब्सक्राइब, और मिलते दोस्तों एक नए वीडियो के अंदर।